सर, ये जो परिणाम आए हैं लोकसभा के, आपने समीक्षा की होगी पिछले 2 दिनों में, किस क्या मान रहे हैं, किस तरह के परिणाम? लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है और सभी ने उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करना होता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, हम विपक्ष में थे, इस बार भी जनता ने हमको विपक्ष में कार्य करने के लिए दायित्व दिया है। कांग्रेस और यूपीए सत्ता में थे, उनको दोबारा सत्ता में कार्य करने का जिम्मा जनता ने दिया है। तो जहां तक सत्ता दल और विपक्ष दल का सवाल है, स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। ये बात सही है कि हम लोग जनता के पास गए थे कि हमें सेवा करने का अवसर दीजिए, जनता ने हमें विपक्ष में सेवा करने का अवसर दिया है और उस दायित्व को हम बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारी कोई 20 के करीब सीटें कम हुई है, मुख्य रूप से राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, जहां पर हम लोगों को, और कांग्रेस को जो लाभ हुआ है वो ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्यों में, उसमें भी यूपीए के पार्टनर जो लगातार उनका ब्लैकमेलिंग करते थे, परेशानियां पैदा करते थे, चाहे लेफ्ट हो, चाहे लालू जी हो, चाहे और पार्टियां हो, जनता ने उनको सबक सिखाया है और उसका नेचुरल बेनिफिट कांग्रेस को मिला है। तो ये इसके कारण कांग्रेस की सीटें एट द कॉस्ट ऑफ यूपीए पार्टनर्स उनको मिली है। बीजेपी का जो लॉस हुआ है, वो राजस्थान में हम अभी अभी चुनाव नतीजे आए थे तो उसका इम्पैक्ट होना बहुत स्वाभाविक, नई सरकार है। दिल्ली में अभी अभी नई सरकार बनी है तो उसका इम्पैक्ट होना स्वाभाविक है। जहां तक गुजरात का सवाल है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लोग पराजित हुए हैं और 5 सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ 10,000 के उससे हम हारे हैं, 10,000 से भी कम वोटों से हारे हैं। 2 सीटें ऐसी हैं कि जो हम 10,000 से कम से जीते हैं, तो एक प्रकार से उसमें भी स्थिति ठीक है। 2 सीटें हमें अतिरिक्त मिली हैं जो गुजरात की जिम्मेवारी थी, दादरा नगर हवेली, दीव और दमन, जो हम कई वर्षों से कभी जीते नहीं थे, दोनों सीट हम इस बार जीत गए हैं। गोवा में हमने मेंटेन किया है, महाराष्ट्र में यूनाइटेड शिवसेना था, राज ठाकरे जब शिवसेना में थे उस टैली में, इस टैली में 3 का फर्क आया है बीजेपी को। शिवसेना में से राज ठाकरे जी निकले और उन्होंने एक ही वोट बैंक को काफी प्रभावित किया है, तो उसके कारण कुछ सीटें हम डिवीजन ऑफ वोट के कारण गई हैं, लेकिन कुल टैली जो है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, एक सीट प्लस हुई है। तो ये मोटा मोटा चित्र है। शरद यादव जी ने कहा कि अडवाणी जी का नाम तय था, तब बीच में फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का नाम लाना एक हमारे लिए नुकसान दे रहा। एनडीटीवी उन्होंने कहा, इससे आप पे रिएक्शन चाहते हैं सर? जी, कहा मोदी ने हमेशा क्या कहा है उसका महत्व है। मुझे मीडिया के मित्रों ने पूरे चुनाव के दरमियान यहां तक मुझे घेरने की कोशिश की कि आप गुजरात 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 कब तक करते रहोगे, आप गुजरात के बाहर क्यों नहीं निकलते हो, देश में क्यों नहीं जाते हो, और यहां तक भी मुझे कह दिया हमारे मीडिया के मित्रों ने, इंटरव्यू में प्रश्न पूछे कि जैसे गुजरात की सेवा कर रहा हूं जैसे कोई मैं बहुत बड़ा देश का अहित कर रहा हूं या देश के खिलाफ कुछ काम कर रहा हूं। तो मेरा स्टैंड तो पहले दिन से क्लियर है कि मैं गुजरात के लिए हूं, गुजरात की सेवा करता हूं, करता रहूंगा। ये मैं डे वन से मेरा मंत्र एक ही रहा है। अडवाणी जी ने जो इच्छा जताई है विपक्ष के नेता वो नहीं बनना चाहते, किस तरह देखते हैं? वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने उन्होंने विषय रखा है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने विषय रखा है, लेकिन वो निर्णय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। इन परिस्थितियों में एक आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि अब आपको एलिवेट किया जा सकता है नेशनल लेवल पे। अरे अभी तो आप सुन रहे हो सवाल एक और एकदम उल्टा सवाल पूछ रहे हो।
सर मोदी जी चाहते थे कि गुजरात के प्राइम मिनिस्टर बने, गुजरात के सांसद प्राइम मिनिस्टर बने। हाँ। अब मोदी जी क्या चाहते? देश की जनता ने कहा है कि विपक्ष में रह करके देश के हितों की रक्षा के लिए आप और अधिक काम करें। गुजरात के सांसद विपक्ष के नेता बने ऐसा चाहते मोदी जी? पहली बात यह है कि जो चुनाव में हमने कहा था और जनता ने हमको कहा है, अब जनता ने जो कहा है वो करना है ना। मैंने यही कहा ना, और उसके विषय में उन्होंने पूछा, मैंने जवाब दिया। भाई आप बेकार में किस तरह देखा है फ्यूचर आप? देखिए, देयर इज नो फुल स्टॉप इन पॉलिटिक्स, नंबर वन। और अपना फ्यूचर मतलब आप बीजेपी का पूछ रहे हैं ना? बीजेपी एंड मोदी का तो निश्चित है भाई, गुजरात की जनता ने जो काम दिया है उसी को करना है और बड़ी लगन से करना है। और मैं जो नई सरकार बनी है उनसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा सार्वजनिक रूप से कि विकास की यात्रा में गुजरात पहले से अधिक पूरी ताकत से देश की प्रगति में हिस्सा बनेगा और देश की विकास यात्रा में गुजरात अहम भूमिका हमेशा निभाता आया है, आगे भी निभाएगा। दिल्ली की सरकार को आनंद होगा, गुजरात की प्रगति से दिल्ली के फिगर भी बढ़ेंगे। मैं मोदी की तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं, मोदी के लिए न सोचता हूँ न समय बर्बाद करता हूँ न मोदी के लिए जीता हूँ। मैं सिर्फ गुजरात की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है उसी के लिए खपा हुआ इंसान हूँ। सर कौन सा मुद्दा ऐसा रहा जिसके कारण इस प्रकार के नतीजे चुनाव? वो मैंने बताया, मैंने आपको एनालिसिस करके बताया और बड़ी आपको शायद पिछले तीन दिन में इतनी सरलता से तो मैंने बता दिया, जो आपको एकदम से कोई क्वेश्चन डर है इतना सरलता से बता दिया। खत्म हो गए सवाल, अब जा सकता हो? हैं? नहीं भैया, आपको कोई और कठिनाई हो तो बता दो।